मंच पर विराजमान भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री महोदय श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, दूसरे मंत्री महोदय श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी, लोक उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बलदेव प्रजापति जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान घनश्याम जी ओझा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान दीवान चंद्र जी, सभी आदरणीय बंधुओं, बहनों, लघु उद्योग भारती अपने 29 वर्षों की यात्रा करते हुए देश भर के लगभग 590 जिलों में अपने 50,000 के लगभग सदस्यों के साथ 48,000 क्रॉस किए हैं आप लोग, तो 48,000 एज ए मेंबरशिप के साथ और लगभग 900 इनकी यूनिट्स हैं, हम मान सकते हैं कि लघु उद्योग भारती अब एक राष्ट्रव्यापी मजबूत संगठन तो हो गया है। आज यहां जो आप लोग बैठे हैं उसमें आसाम के जिलों से लेकर कच्छ गुजरात तक के जिले और तमिलनाडु से लेकर के जम्मू, पंजाब से लेकर के उड़ीसा, देश के लगभग सभी जिलों से प्रतिनिधित्व धीरे धीरे होता जा रहा है। हर वर्ष 7,000-8,000-10,000 संख्या हमारे सदस्यों की बढ़ जाती है और यह उत्साहजनक समाचार है। मेरे को जो बोलने को कहा है वो आत्मनिर्भर भारत और लघु उद्योगों की भूमिका। बंधुओं, हमारा देश सारे दुनिया में एक विशेषता रखने वाला देश है। एक ओर हम लोग अभी चंद्रमा पर पहुंचने वाले दक्षिणी ध्रुव पर पहले देश हो गए, हम स्पेस में सैटेलाइट स्थापित करने में दुनिया में सबसे अच्छे देशों में हैं। 100-125 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च कर सकते हैं हम ऑर्बिट में, और दुनिया का कोई भी बड़ा देश ऐसा नहीं है आज जो भारत से अपने सैटेलाइट लॉन्च न करवाता हो। ये देखने में छोटी बात लगती है, लेकिन जब जर्मनी के लोग, यूके के लोग, अमेरिका के लोग, जापान के लोग हमारे पास अपना सैटेलाइट भेजते हैं और कहते हैं कि इस सैटेलाइट को आप लॉन्च कर दीजिए ऑर्बिट में, तो इसका मतलब भारत कोई विशेषता रखने वाला देश तो हो गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन एक दूसरा हिस्सा और भी है, वो हिस्सा विचित्र है, जहां पर हमारे देश में कम से कम तो 20-25 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और लोग 50-60 करोड़ ऐसे हैं हमारे देश में जिनकी जो आमदनी है वो बहुत कम है, और उनका घर परिवार कैसे चले ये उनके सामने बड़ी समस्या है। ये लगभग आधी आबादी हमारे देश की ऐसी है। हमारे देश की जो संरचना है, हमारे देश का जो टोटल स्वरूप है, वो अमेरिका, कनाडा, यूके या फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इन देशों से भिन्न है। जिन देशों के मैंने नाम गिनाए, इन देशों में जो एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन जो है वो दैट इज नॉट मोर देन 3-4%,
कहीं 2% लोग खेती पर हैं, कहीं 2.5% है, कहीं 3% है, कहीं 4% बस। तो उन देशों के जो सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, वो भिन्न है। ये उन देशों की मजबूरी है कि बड़े उद्योग लगाए। मनुष्य उनके पास कुछ कम थे, हाथ कम थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी का जो विकास उन्होंने किया उस हिसाब से किया। और धीरे धीरे वही मॉडल जो है भारत की ओर आने लगा, मजबूरी में कहिए या जाने अनजाने में कहिए, बड़ी मात्रा में बहुत सी बातें हमने उनकी स्वीकार कर ली है। लेकिन अब ध्यान से देखना है, हमारे देश में अभी भी जो एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन है वो कम से कम 58% है। ये 58% पॉपुलेशन खेती पर आधारित है, अर्थात इसकी जो आमदनी है ये बहुत कम है। और इसलिए रोजगार की तलाश में जाती है। दुनिया के बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं और भारत के भी अर्थशास्त्री हैं, वो एक मॉडल बताते हैं कि इस पॉपुलेशन को शिफ्ट करना है हमको अर्बन पॉपुलेशन में। लेकिन शिफ्ट करना है, उनको देना क्या है ये उनको नहीं मालूम, और देंगे कैसे ये भी नहीं मालूम। तो ये पॉपुलेशन शिफ्ट तो हो रही है, हर साल लगभग 0.8% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र से शहर में शिफ्ट होती है, और थोड़ी सी पॉपुलेशन फिर वापस फिर गांव में आ जाती है, क्योंकि उनको वहां कुछ मिलता नहीं है। आधे लोग वहीं सेट हो जाते हैं, आधे लोग वापस आ जाते हैं, और जो जो गांव के लोग शहर में सेट हो जाते हैं, कुछ लोग अच्छा जीवन जीते हैं और बाकी के लोग बहुत अच्छा जीवन नहीं जीते, वो स्लम्स में रहते हैं, एक कमरे के अंदर 10-12 लोग रहते हैं, अनहाइजीनिक सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनकी सामाजिकता सांस्कृतिक परिस्थितियां बदल जाती है। और जो हमको जो विचार करना है वो 134 करोड़ पर्संस, इनके लिए विचार करना, वो मॉडल चाहिए हमको। ये मॉडल जो बड़ी इंडस्ट्री का है कुछ सेक्टर में ठीक है, लेकिन अपने आंखों के सामने 134-135 करोड़ लोग जो है, ये ध्यान में रखकर भारत के लिए एक मॉडल चाहिए। वो मॉडल केवल और केवल MSME उपलब्ध करा सकता है। आप आंकड़े देखिए, जो देश में खेती, दूध का काम, फल और सब्जी का काम, इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो रोजगार है, तो बड़ी इंडस्ट्री जो रोजगार देती है वो 3-4% ज्यादा रोजगार नहीं देती, सारे देश की टोटल पॉपुलेशन में से 3-4% बस। 90% जो रोजगार है जो उद्योग जगत में, वो MSME देती है। 90% रोजगार ये MSME के द्वारा मिलता है। आज देश में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा रोजगार है जो MSME देती है, और 11 करोड़ रोजगार का मतलब हुआ कि 40-45 करोड़ पॉपुलेशन को रोजगार ये दे रहे हैं। टोटल GDP में जो MSME का जो कंट्रीब्यूशन है वो 33% है, लेकिन एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से, उसमें MSME का कंट्रीब्यूशन 50% है, ध्यान रखिए। तो एक और लगभग 11-11.5 करोड़ रोजगार, मतलब 40-45 करोड़ पॉपुलेशन को रोजगार, उनके उनका घर की व्यवस्था करना, आजीविका,
और देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है इसमें 50% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। भविष्य में भी ऐसा ही होने वाला है। गवर्नमेंट की भी योजना ऐसी है कि 50% एक्सपोर्ट जो एमएसएमई के द्वारा है इसको बढ़ाकर 60% कैसे किया जाए। अगर 60% करना है तो उसके लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनानी पड़ेंगी, कुछ अलग से ध्यान देना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। और अगर रोजगार 2-3-4 करोड़ और बढ़ाने हैं तुरंत 5-7 वर्षों के अंदर, एमएसएमई रोजगार दे सकता है। रोजगार देने में ये एक्सपर्ट है, तो बहुत छोटी पूंजी में ये उद्योग लगा देता है 25-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़। और जो पर कैपिटल जो इन्वॉल्वमेंट है कैपिटल का वो एमएसएमई का बहुत कम है, मतलब तो बहुत कम पूंजी लगाकर अधिकतम रोजगार प्रोवाइड करता है। इसलिए यदि देश में रोजगार का सृजन करना है भविष्य में, हमारी जनसंख्या को देखकर, हमारी परिस्थितियों को देखकर, तो एमएसएमई के लिए विशेष ध्यान विशेष योजना करनी ही होगी। एक दूसरी बात, हमारे देश की सामाजिक परिस्थितियां भी भिन्न है। संविधान सभा ने उन सामाजिक परिस्थितियों पर ध्यान दिया है और कुछ प्रावधान बनाए हैं, लेकिन केवल प्रावधानों से तो बात नहीं बनेगी। संविधान इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकता। एमएसएमई के द्वारा सर्वाधिक जो रोजगार मिलता है वो हमारे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो डिप्राइव्ड लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको मिलता है। बड़ा नंबर है ये। सारी जो महिलाओं को इसमें काम मिलता है, 24% महिलाएं इसमें ऐसी हैं जो सच में एससी एसटी ओबीसी वर्ग से आती हैं। उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होती है, धीरे धीरे सामाजिक स्थिति अच्छी होती है। कुल मिलाकर एमएसएमई बड़ी मात्रा में देश के इस सामाजिक परिवर्तन के काम में बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रहा है, ध्यान में रखने की बात है। एक और सरकार जो है ये बात को अच्छे से जानती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत अधिक रोजगार को नहीं दे सकते, तो रोजगार देगा क्यों? अब इसको इनडायरेक्टली हम लोग समझने की कोशिश करें। जो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण था तो गवर्नमेंट सेक्टर में था, अगर वो रोजगार कम हो गए जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, मतलब रेलवे की नौकरियां हैं, या वैष्णव जी बैठे हैं, तो रेलवे की नौकरियों में अब आउटसोर्सिंग बढ़ रहा है, वो कंपनीज को दे रहे हैं ये स्टेशन की सफाई ये आउटसोर्स कर दो, वो वहां की परिस्थिति के कारण से वे कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आउटसोर्स करते हैं तो 5 लाख एम्प्लाई मान लो आए, तो इसमें जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है वो एससी एसटी वर्ग के कितने आएंगे। जो एक सफाई कर्मचारी रेलवे में लगता था उसको रेलवे का एक छोटा सा क्वार्टर मिल जाता था, वो दूर गांव से आकर के मुंबई दिल्ली कानपुर कलकत्ता ऐसे बड़े शहरों में आ जाता था, इसका पालक पड़ता था। सफाई कर्मचारी तो इलिटरेट था, इसका पालक पढ़ करके आगे आ जाता था। धीरे धीरे समाज में एक सोशल रिवॉल्यूशन हो रहा था, वो रास्ता कम होता है तो उस रास्ते की भरपाई एमएसएमई करेगी, ध्यान रखिए आप। ये जिम्मेदारी सारे समाज की है, केवल सरकार की नहीं है, और इसलिए सभी एमएसएमई वालों को ध्यान में रखना चाहिए। एक बड़ा सोशल रिवॉल्यूशन है, 11-12 करोड़ रोजगार आपके हाथ में आ जाए। इन 12 करोड़ रोजगारों में हम ये भी ध्यान रखें एक सामाजिक ताना बाना अच्छा बना रहे, समाज का प्रत्येक वर्ग जो दूर कहीं खड़ा है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से बहुत मार्जिनलाइज्ड है,
हम थोड़ा सा अधिक ध्यान देकर उनको आगे बढ़ाएं। ये जिम्मेदारी केवल सरकार की न होकर प्रत्येक जिम्मेदार देशभक्त भारतीय नागरिक की है, जो ये ध्यान में रखे इस देश में जो वंचित वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, किसी कारण से दूर किनारे खड़ा है, संविधान की भावनाओं का ध्यान रखते हुए केवल सरकार पर न आधारित होकर हम ऐसे समाज का निर्माण करें जो हर दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। वो आत्मनिर्भर होगा, हमारा देश सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए अपने को जो मॉडल चाहिए, वो मॉडल ये चाहिए 135 करोड़ लोगों का ध्यान मन में रख करके चलना है। जो कक्षा 8 में फेल हो गया ड्रॉप आउट है, हाई स्कूल फेल हो गया ड्रॉप आउट है, 12th पास हुआ या फेल हो गया गांव में बैठा है, हम इसके लिए क्या दे सकते हैं। और इसलिए MSME ने, हमारे लघु उद्योग भारती ने सारे देश भर में एक स्वावलंबी भारत ध्यान में रखकर स्थान स्थान पर स्किल डेवलपमेंट के, रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने वाले केंद्र प्रारंभ किए हैं। और मुझको ये कहने में अच्छा भी लग रहा है, सारे देश में एक 44 केंद्र, 44 जिले ऐसे हम लोगों ने ध्यान में रखे हैं लघु उद्योग भारती के कार्यकर्ताओं ने, जहां पर नए नए ऐसे बच्चे जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, गांव में बैठे हैं, नगर में बैठे हैं, उनको ट्रेंड करके, प्रशिक्षित करके कोई उनको रोजगार हम उनको उपलब्ध करा सकेंगे। सब बातें सरकार के कंधे पर रख देने से समाज मजबूत नहीं होता। समाज वही मजबूत होता है जो अपने पैरों पर खड़ा होता है। सरकार से अपेक्षा इतनी करिए सरकार लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखे, सरकार कानून व्यवस्था अच्छी रखे, अच्छे कानून और बनाए जाए, उद्योग अच्छे से आगे बढ़े, नीतियां अच्छी बने, लेकिन बाकी शेष बात समाज करे। समाज उन बच्चों को प्रशिक्षित करके, संस्कारित करके आगे ले आवे। और इसलिए बड़ी आवश्यकता यह है, जैसे वैष्णव जी ने बताया, उस सेक्टर को रिजर्व किया है, लेकिन धीरे धीरे उसको कम करने की योजना कुछ लोग बनाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, नहीं नहीं कंपटीशन होने दीजिए। तो कंपटीशन होगा तो फिर तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा, और फिटेस्ट में टाटा अंबानी बिरला जी, उनसे कौन कंपटीशन करेगा भाई? उनसे कोई स्मॉल स्केल या माइक्रो वाला उनसे कंपटीशन नहीं कर सकता। टीवी पर विज्ञापन किसका आएगा? उसी का आएगा। और इसलिए आज जो रिन साबुन जो है गांव गांव पहुंच गया, एरियल नाम का जो सर्फ है या पाउडर जो है, ये गांव गांव पहुंच गया, विज्ञापन से पहुंचता है। अच्छा है इसलिए नहीं पहुंचता है, वो छोटा छोटा खाने का आइटम है, गांव गांव पहुंच गया। और गांव की जो बिस्किट की फैक्ट्री है वो कौन चलाएगा? पॉलिश का ब्रश है, ये भी ब्रांडेड कंपनी बेच रही है। इस पॉलिश करने वाले ब्रश को बेचने के लिए ब्रांडेड कंपनी चाहिए। बाथरूम है, सैनिटरी का ब्रश है, वो भी ब्रांडेड कंपनी बेच रही है। इसको तो 2-3-4 लाख रुपया लगा करके वो छोटा उद्योग चला के बनाता है, लेकिन उसका मार्केट खत्म हो जाएगा। जो भावना है ये भी टाटा ही बना करके बेचता है, बेलचा। जो सामान्य सामान्य से काम है, जो हमारा गड़िया लोहार बना देता था, अभी टाटा कंपनी का फावड़ा मार्केट में किसान के हाथ में आ गया। तो किसान के हाथ में छोटा छोटा सामान भी है, वो बड़ी कंपनी का आ रहा है, तो हम रोजगार सबको कैसे दे पाएंगे? और इसलिए इस देश में कुछ न कुछ प्रकार से ऐसी व्यवस्था रहे कि जो सामान बहुत बड़ी क्वालिटी का नहीं चाहिए, ब्रांडेड की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन चाहिए, सहारा चाहिए। जैसे देश में खादी का वातावरण बना, आज से 100 साल पहले बना, खादी तो मोटा कपड़ा था। मोतीलाल नेहरू जी खादी का रूमाल रखने लगे, वे बड़ा सॉफ्ट रूमाल रखते थे। और एक दिन मोतीलाल नेहरू गांधी जी को कहते, गांधी जी आपका ये खादी का अगर आंदोलन लंबा चल गया
तो इस मोटे रूमाल से हमारी नाक तो घिस घिस के खत्म हो जाएगी। ये मोतीलाल नेहरू जी का कहना था। वो इतने सोफिस्टिकेटेड थे, इतने नाजुक भी थे। एक संपन्न परिवार में जन्म लिए थे, बड़े बैरिस्टर थे, लेकिन धीरे धीरे खद्दर, खादी, मोटा कपड़ा लोगों के मन में बैठ गया और ऐसा मन में बैठा कि लोगों ने खद्दर को भावनाओं से स्वीकार कर लिया। ये देश की जनता के साथ, देश के मन के साथ, उस गांव की महिला के साथ जुड़ा हुआ वस्त्र है। ये करोड़ों लोगों को रोजगार मिल गया। आज तक देश में करोड़ों लोग उस खद्दर के काम में स्थायी रूप से लग गए। कम से कम उनके दो समय की रोटी तो चलती है। स्वावलंबी भारत बनाते समय अपने को सबसे पहले विचार करना है, हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारे पास क्या है, उसका हम कैसे बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रख करके अपने को अपना मॉडल बनाना है। ध्यान रखिए, जब हम लघु उद्योगों की बात करते हैं तो उस व्यक्ति को रोजगार अपने घर के पास में कहीं मिल जाता है, 10-20 किलोमीटर दूर पर उसको रोजगार मिल जाए, ये हमारी अपेक्षा है। जब 10-20 किलोमीटर की रेंज में इसको रोजगार मिल जाता है तो सामान्यतया ये अपने घर चला जाता है, साइकिल से, स्कूटर, मोटरसाइकिल से, या ट्रेन, बस से। तो सबसे बड़ा ये एक और परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन ये आता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था इंटैक्ट बनी रहती है। ये नौजवान लड़का या बेटी जो है अपने माँ बाप के पास आ जाती है, या लड़की अपने ससुराल में बनी रहती है, काम भी करती है, पैसा भी अर्थोपार्जन करती है, अपने बूढ़े माँ बाप, सास ससुर को भी देख लेती है। अब कल्पना करिए, वो दूर बस्ती जिला, गोरखपुर जिला, बलिया है, सासाराम है, पूर्णिया, कटिहार है, वहां के बच्चे को रोजगार तो मिला, मिला बंबई, रोजगार मिला नोएडा, रोजगार मिला बेंगलोर। अब इसके घर को कौन देखेगा? आज देश में कम से कम 40-50 करोड़ लोग ऐसे हैं अब जिनकी सेवा की जरूरत है, जो 50 वर्ष की उम्र से ऊपर जा रहे हैं। ये संख्या दिन प्रतिदिन कम नहीं होगी, अब बढ़ेगी। 30-40 करोड़ लोग अब ऐसे हैं जो 50-60 वर्ष से और ऊपर जा रहे हैं। 10-15-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 60 के ऊपर जा रहे हैं। इनको किनके भरोसे छोड़ा जाएगा? जिनके बच्चे अपने रोजगार की तलाश में दूर चले गए तो इन बूढ़े माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इनको कौन देखेगा? MSME इस बात की गारंटी देता है, हम इनको रोजगार देंगे, साथ साथ इनके परिवार की सामाजिकता को, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की चिंता को बनाए रखने के लिए लड़कों को घर के पास ही रखेंगे। ये बहुत बड़ी सामाजिक आवश्यकता है। ध्यान रखिए, 15,000 की नौकरी करने के लिए लड़का छत्तीसगढ़, उड़ीसा से और बंबई चला गया, वो वहां स्लम्स में रहता है। स्लम्स में काय का सामाजिक जीवन है हमको बताइए? कितनी कम सब्जी बनाता है, नहीं बनाता, एक ही समय बनाता है, दोनों समय खाता है। एक कमरे में 8-10 जो मजदूर सो जाते हैं, हाइजीन कैसा है, सामाजिकता कैसी है, बीमारियां फैलती हैं, उसका सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार, ये धीरे धीरे सब समाप्त हो जाते हैं। तो एक तरफ सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन सब नष्ट होता है, उस श्रम के जीवन में बीमारियां पालता हुआ हुआ रहता है। जितनी अधिक मात्रा में हमारी जो MSME लघु उद्योग इकाइयां बढ़ेंगी, आप पक्का मानिए हम इस देश के पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, सांस्कृतिक जीवन को पक्का मजबूत बनाए रखने की गारंटी है।
वो होली दिवाली पर घर नहीं आ पाता है, कभी किसी विशेष पर्व पर आता है, छुट्टी नहीं मिलती, रक्षाबंधन पर घर नहीं आता है, कैसे उसकी सामाजिकता निभेगी, कैसे उसकी रिश्तेदारी चलेगी, नहीं चलती। और इसलिए रोजगार उसके निकट में कहीं दीजिए, ये मजदूरी जो है ये व्यक्ति को पलायन कर देती है और धीरे धीरे गांव के गांव खाली हो जाते हैं। अभी उत्तराखंड में 1700 गांव ऐसे हैं उत्तराखंड अकेले में जिसमें अब एक भी व्यक्ति नहीं रहता, पूरा गांव मनुष्य से विहीन हो गया, सब रोजगार की तलाश में दूर चले गए और अपने साथ अपने बूढ़े माँ बाप को भी ले गए, वे जाना नहीं चाहते थे, क्या करें। और इसलिए लघु उद्योग जो है, सूक्ष्म उद्योग जो है, उनको ध्यान में रखना है कि अपने को कैसे भी नहीं कैसे भी इस सामाजिक भूमिका का निर्वाह करना है। अपने को जो हम कहते हैं अपने को परिस्थितियों को ध्यान में रखना है, तो ध्यान में आता हमारा देश दुनिया में क्रमांक 2 पर फल और सब्जी पैदा करता है, बहुत बड़ी मात्रा में, ये नंबर 1 पर आ जाएगा थोड़े दिन में, क्यों? हमारे देश का क्लाइमेट ऐसा है, हमारे पास माइनस टेम्परेचर वाले एरियाज हैं और हमारे पास 50 सेल्सियस वाले एरियाज भी है, घनघोर बरसात वाले भी हैं, खजूर और नागफनी होता है, ऐसे रेगिस्तान भी है, समुद्र का किनारा भी है और पहाड़ बड़ी मात्रा में हमारे पास है, घनघोर घने जंगल हैं और 12 महीने बहने वाली नदियां भी हमारे पास है, इतना जो डाइवर्सिफाइड हमारे पास जो क्लाइमेट है दुनिया में किसी के पास नहीं है। 6 ऋतुएं हमारे यहां होती है, 6 ऋतुएं हमारे यहां है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैरायटीज जो वनस्पति की है तो जीव जगत की है हमारे यहां है। हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन जो फूड प्रोसेसिंग है वो हमारे यहां केवल 3% है, जो हम फ्रूट और वेजिटेबल पैदा करते हैं दुनिया में नंबर 2 है, लेकिन प्रोसेसिंग केवल 3% है, जबकि चाइना अपने जो प्रोड्यूस है उसका 23% प्रोसेस करता है, अमेरिका जो है अपने प्रोड्यूस का 65% प्रोसेसिंग करता है, हमारा आम जो है वो 15 रुपया किलो बिकता है बगीचे में, अमेरिका में जाके इसकी कीमत 500 रुपया किलो हो जाती है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग तो हो वो नहीं होता, किसान को कुछ नहीं मिलता। और इसे आप देखिए बड़े बड़े बाग जो आम के हैं वे अब कटने के कगार पर है, बहुत से कट गए, कोई नहीं, अनप्रोडक्टिव है, क्यों? जो हमारे पास प्लांट नहीं है, एमएसएमई इसमें आगे आवे, थोड़ी सहायता कौन दे कैसे दे, मेघवाल जी बैठे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रोड्यूस है उनको हम अच्छा उद्योग के साथ जोड़ दें तो बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो सब्जी और फल पैदा करने में एक्सपर्ट है, महाराष्ट्र भी, आंध्र प्रदेश भी, ये सब्जी और फल दोनों में बहुत एक्सपर्ट है ये प्रदेश, बड़ा भारी रोजगार का सृजन यहां हो सकता है। हमारे पास 8000 किलोमीटर से ज्यादा का सी कोस्ट है, समुद्र का किनारा है, 8000 किलोमीटर ज्यादा, 2,000,000 स्क्वायर किलोमीटर में हम ये सी फूड इकट्ठा कर सकते हैं, इतना एरिया हमारे पास समुद्र का है, 2,000,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे पास है, लघु उद्योगों के लिए बड़ी महासंभावना है, लेकिन उसमें रुचि लोग ले, सरकार मिले, नए नियम आवे, कानून आवे, सुविधा हो तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों को रोजगार इसी सेक्टर में मिल सकता है। भारत 15,00,000 इंजीनियर्स को पढ़ाता है हर साल, चाइना केवल 6,00,000 और अमेरिका केवल 70,000, हमारे पास 70 के इंजीनियर्स हैं, बहुत क्वालिटी वाले भी हैं और थोड़े ऐसे भी हैं जो केवल डिग्री लेके घूम रहे, दोनों प्रकार के, अगर अगर अवसर मिलेगा तो अच्छे ट्रेंड हो जाएंगे, डिग्री तो पास किया है, अवसर नहीं मिला,
15 लाख बहुत बड़ा नंबर है, इनको रोजगार नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं होती हमारे पास। बच्चे हैं, इनको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे, ये सब काम के हो जाएंगे। तो एमएसएमईज वालों से हमारी प्रार्थना है, ये बड़ा नंबर है, हम प्रांत में एक आधा स्थान पर ऐसी व्यवस्था करें, इन जो बीएससी इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे हैं उनको बुलाएं। क्या कर सकते हैं, कौन सा इनका स्किल है, हम अच्छा ट्रेन कर दें और ले आवे साथ में। और इस तरह से हम भिन्न भिन्न मुद्दों पर विचार करते हुए आगे बढ़े। बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत प्रकार का और कॉन्स्पिरेसी करती है, ध्यान में रखिए। छोटे उद्योगों को समाप्त करने के लिए कॉन्स्पिरेसी बहुत गहरी होती है, छोटे छोटे उद्योगों को बदनाम करने की कोशिश होती है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ साल पहले एक र्यूमर उड़ाई गई, वो र्यूमर ये थी कि सरसों का तेल जो लोकल और उसमें मिल में निकला है, इसमें लोग वो पीली कचेरी मिला दिए हैं, आर्जिमोन मेक्सिकाना वो मिला दिए हैं, उसका बीज इसमें में है और उससे बीमारी हो जाती है, उसको ड्रॉप्सी बोलते हैं। बंधु जो ग्रामीण क्षेत्र से परिचित है, मेघवाल जी परिचित है, मेघवाल जी आप बताइए जो पीली कटेरी है इसको कौन काट सकता है? पीली कटेरी जो आर्जिमोन मैक्सिकाना नाम का एक जंगली पौधा है, इसमें इतना कांटा होता है इसको कोई हाथ से काट ही नहीं सकता, और सरसों हाथ से काटी जाती है, सरसों के पौधे के साथ मिल ही नहीं सकती। एक बात, सरसों का जो फूल पकता है फरवरी मार्च में, इसका फूल पकता है जून में, तो ये सरसों कट जाएगी तब ये पकेगा, तब इसका सीड बनेगा। इसका सीड फॉर्मेशन मई और जून में है, सरसों का जो सीड फॉर्मेशन है वो अप्रैल में हो जाता है, मार्च और अप्रैल में है, 3 महीने का अंतर है। हाथ से पकड़ नहीं सकते इस पौधे को, बीज इसका बनता 3 महीने बाद है, दोनों को मिलाना संभव ही नहीं है, मिल ही नहीं सकता। उन्होंने र्यूमर फैला दिया, बड़ी बड़ी कंपनी वालों ने, ताराचंद जी जानते हैं, आर्जिमोन मैक्सिकाना का बीज इसमें मिला दिया गया है, मिलावट है, और होता भी इतना कम है, मिलावट हो ही नहीं सकती, कोई करेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। और फिर क्या हुआ, तुरंत सरकार में कुछ अधिकारी लोग एक्टिव हो गए, उन्होंने नियम पास कर दिया कि छोटी मिल में सरसों का तेल निकालना बैन। अरे छोटी मिल में बैन कर रहे, अगर मिलावट तो बड़ी मिल में भी मिल जाएगा, ये तो बड़ी मिल में कैसे रोक देंगे आप, बड़ी मिल में भी नहीं रोक। जब बीज में मिल ही गया तो छोटी मिल और बड़ी मिल क्या होती है? लेकिन एक कानून आते ही देश में 1 लाख लघु उद्योग बंद हो गए। कितने? बहुत व्यापक बताएंगे बाद में ओम प्रकाश जी अपने ताराचंद। ये कॉन्स्पिरेसी आती है, लड़ाई कठिन हो जाती है। और छोटा आटा चक्की थी, हर गली मोहल्ले में वो आटा पिसवा लाते थे, हम लोग भी पिसवा के लाते थे आटा, घर की महिलाएं साफ करती थी। अब बड़ी मिल ऐसी आटा की चली, उसने कम से 1 लाख छोटी जो मिल थी आटा वाली बंद कर दी, बंद हो गई। अपने को ध्यान देना है, जब एक साथ बड़ा रोजगार मिल रहा था वो एकदम खत्म होता है, 50,000 लोगों का काम 50 लोग करते हैं, फिर कहां जाएंगे लोग? हमारे देश का जो ढांचा है, स्वरूप है, हमारे देश की जो जनसंख्या है, हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी परिवार व्यवस्था है, हमारी सामाजिकता है, हमारे तीज और त्योहार हैं, इन सबको बनाकर रखकर संभालकर आर्थिक योजनाएं बनानी है, आर्थिक ढांचा ऐसा हो जो हमारी सामाजिकता को बना के रखे, हमारी परिवार व्यवस्था को और मजबूत करे, हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को
छरित न होने दे, ऐसा ढांचा एमएसएमई लघु उद्योग जगत अच्छे से बना भी सकता है, उसको मजबूत से सुदृढ़ रख सकता है। आत्मनिर्भर भारत की ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण गारंटी है जो लघु उद्योग भारतीय को स्वीकार करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस सब को विचार करते हुए हम चलेंगे तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में हम देश को एक ऐसा मॉडल देंगे, ऐसा स्वरूप एक सामने रखेंगे जिसमें प्राचीन भारत की भव्यता भी होगी और आधुनिक भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। मनुष्य प्रसन्न भी होगा, आनंदित भी होगा, उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी होंगी, घर से दूर नहीं जाएगा, गांव का भी आनंद लेगा और शहर की भी आवश्यकताएं जो हैं उसको वही गांव में प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा मॉडल वही हमारे देश के लिए आवश्यक है। आप सभी को मेरा विनम्रता पूर्वक नमस्कार।